मेरी बहन के 13.5 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव है। 27 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई है। फीवर उसका बढ़ता जा रहा है, खांसी उसकी बढ़ती जा रही है, सिम्टम्स उसके बढ़ते जा रहे हैं। घर में रखने लायक वो पेशेंट नहीं है। इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए हमने कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करी, किसी ने भी उसको एडमिशन नहीं दिया। मैक साकेत कहता है कि हम 18 साल से कम के पेशेंट को एडमिशन नहीं देते और ना ही हमारे पास बेड है। हम अपने बच्चे को लेकर गंगाराम भागे, गंगाराम वालों ने भी उसको एडमिशन नहीं दिया। उसके बाद हम उसको राम मनोहर लोहिया लेकर भागे, राम मनोहर लोहिया के अंदर भी उसको एडमिशन नहीं दिया गया। वहाँ से फिर उस मासूम बीमार बच्चे को उस बीमारी की हालत में रोते हुए तड़पते हुए उसको LNGP लेकर गए, वहाँ भी उसको एडमिशन नहीं दिया गया। मेरे बच्चे का रो रो के बुरा हाल है। ही इज़ क्राइंग ऑन द फ़ोन एंड बार बार मुझे फ़ोन पर यही बोल रहा है कि मौसी मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। एक 14 साल का बच्चा ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। ही वॉन्ट्स टू लिव हिज लाइफ एंड उसको लग रहा है कि अब उसकी कोई ज़िंदगी बाकी नहीं बची है, क्योंकि उसका कोई भी ट्रीटमेंट उसके लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, कोई भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए। पुलिस को भी हमने फ़ोन किया। 9 बजे से लेकर आज सुबह के 5:30 बज चुके हैं। कल रात को 27 तारीख की रात को 9 बजे से लेकर आज सुबह 28 तारीख को 5:30 बजे तक भी पुलिस की ना कोई एम्बुलेंस आई है, ना ही कोई भी ट्रीटमेंट की ऑप्शन है। उसका, उसकी माँ का बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ उसके ट्रीटमेंट में उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। हम प्राइवेट का खर्चा भी बियर करने को तैयार हैं। बहुत ही सेंसिटिव चाइल्ड है, अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ आप उसको किसी भी हॉस्पिटल में उसके पेरेंट्स के साथ क्वारंटाइन करके उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए। मोदी जी, केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक मासूम 14 साल का बच्चा अपनी लाइफ आप लोगों से मांग रहा है, प्लीज़ उसकी ज़िंदगी उसको दे दीजिए, उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 9811868554। एक और नंबर है 9810371933 एंड अनदर नंबर इज 9643165991। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प अस, थैंक यू।